अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ऑफिशियल इन्फो प्लस के इस वीडियो में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। इस वक्त मैं मुल्तान में हूँ और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। आपको याद होगा जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही लेके आता हूँ, तो आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें फ़न भी है, एंटरटेनमेंट भी है। मुल्तान से जो लोग वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि मुल्तान का सोना लोहा बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ मुल्तान में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये देख के कि यहाँ पे हर सोनल वे वाला हाफिज है और हर एक का किसी का नंबर है 302, किसी का 304, किसी का 310। तो आप परेशान हो जाएंगे, आप घूम जाएंगे कि मैं किसका सोनल वा खरीदूँ, कौन सा ओरिजिनल है। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल सके। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे यहाँ पे आके कि मैं कौन सा सोनल वा ट्राई करूँ, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेस्ट है। तो मैं आज आपको बताऊंगा यहाँ पे तीन शॉप्स जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, सबसे आला, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये बहुत पुरानी शॉप्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। और लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये वाली शॉप नंबर वन है, ये नंबर टू है, नंबर थ्री है। हर एक अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन अपने आप में सब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत परफेक्ट है। तो मैं वन बाय वन आपको इन शॉप्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इनका मैं आपको सोनल वा ट्राई भी करवाऊंगा। मैं इन तीनों के सोनल वा लेके आया हूँ आपके लिए और मैं बताऊंगा, तीनों टेस्ट करके बताऊंगा कि कौन सा कैसा है, और तीनों आपको दिखाऊंगा भी। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिवाड़ी स्वीट्स के बारे में। रिवाड़ी स्वीट्स यहाँ की 1961 की शॉप है, बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है, और ये अपने आप में ये बिल्कुल स्पेशल है। इनकी आइटम्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत टेस्टी आइटम्स हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें यूनिक है जो आपको सिर्फ यहीं से मिलेंगी और कहीं से और से नहीं मिलेंगी। तो ये मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मुल्तान आए तो आप रिवाड़ी स्वीट जरूर जाएं। और ये हुसैन आगाही रोड के ऊपर है और इनकी मेन यही है ब्रांच, ठीक है। और यहाँ पे आपको रश से आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी चलती है रिवाड़ी स्वीट्स। और चले आज मैं आपको इसको सोनल पर ट्राई कराता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से खरीद के लाया हूँ रिवाड़ी का सोनल का। और ये देखिए इसकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है। ये टोटली देखिए मुल्तान का एक ब्लू डिज़ाइनिंग का एक स्टाइल है, कल्चर है मुल्तान का, और ये इसी कल्चर के हिसाब से इन्होंने अपना ये शॉप भी और अपने ये बॉक्स भी डिज़ाइन किया है। तो चलें इसको खोल के देखते हैं और किस तरह का सोनल बॉट ट्राई करते हैं। ये देखिएगा, ये अखरोट वाला सोनल बॉट है और ये तो बहुत ही लजीज लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। लुक्स सो यमी। आला, अगर रेटिंग का ऑप्शन होता ना तो मैं इसको जरूर नंबर वन देता, लेकिन रेटिंग का ऑप्शन इसलिए नहीं है कि जो बाकी दो को मैं ट्राई कराऊंगा वो इससे भी जबरदस्त है, इससे ज्यादा समझ रहा हूँ, उनकी एक अपनी खासियत है। तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। मेरी तरफ से ये 100/100 है, पास है। चले जी, ये तो थी रिबाड़ी, ठीक है। अब अगला जो मैं आपको ट्राई कराने लगा हूँ सोनल बा, वो है अहमद स्वीट्स का। अहमद स्वीट्स वैसे तो काफ़ी ब्रांचेस हैं यहाँ पे मुल्तान में, लेकिन आपने याद रखना है MDA चौक है, ठीक है। यहाँ की ये शॉप बहुत फेमस है और यहाँ पे भी हर वक्त रश लगा रहता है, बहुत दुनिया यहाँ से भी सोनल वा लेके जाती है। अगर आपको यहाँ से भी सोनल वा खरीदना है तो नो डाउट इनका भी बेस्ट सोनल वा है, आप बेझिझक होकर यहाँ के लिए यहाँ से लेके जा सकते हैं, बल्कि दूर दूर तक लोग यहाँ से सोनल वा लेके जाते हैं, यहाँ से मंगाते हैं। आपको इस रश से ही आइडिया हो गया होगा कि लोगों को ये कितनी पसंद है शॉप, ठीक है। तो आप ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अगर सिलेक्शन आप रिवाड़ी चाहें रिवाड़ी जा सकते हैं, अहमद स्वीट्स आप जाना चाहें ये भी मेरी तरफ से 100/100 है। चले आए, मैं यहाँ से भी परचेज करके लाया सोनल वा, आज आपको इसका भी सोनल वा दिखाता हूँ। ये देखिए ये अहमद स्वीट्स का, देखते हैं
इनका देखिए लोगो कितना जबरदस्त है और इसकी पैकिंग कितनी शानदार है। इनके पास भी बहुत सारी रेंज है प्रोडक्ट्स की, बहुत आइटम्स हैं। आप यहाँ जाएं, आपको यहाँ पे स्वीट्स मिठाइयों से लेके, यहाँ पे देसी घी से लेके, यहाँ पे निम्को, यहाँ पे हर तरह के स्नैक्स आपको मिलेंगे। तो चलें इसको भी ओपन करते हैं और ट्राई करके देखते हैं। मीठा वैसे मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, सिर्फ आप लोगों की वजह से। ओके सो मैंने आपको जैसे कहा था कि हर एक की एक अपनी स्पेशलिटी, एक अपनी खासियत है। तो ये देखिए वो अखरोट वाला था और इसमें साथ मुझे काजू भी नज़र आ रहे हैं और पिस्ते भी हैं। वैसे तो इनका प्लेन भी होता है सोनल का, लेकिन जो है ऑप्शन है तो मैंने कहा ज़रा डिफरेंट ऑप्शन होगा, अब हम इसको ट्राई करने लगे हैं। और चलो ये देखिए यहाँ का स्पेशल सोनल हुआ मुल्तान का। ये देखिए काजू आप देख सकते हैं इसमें, बादाम देख सकते हैं, पिस्ते देख सकते हैं, बेसिकली मिक्स ड्राई फ्रूट है। अब इनका यार रेवाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे पिछला टेस्ट भूल गया इसको खाकर, पास। अब लास्ट में जो आपको मैं तीसरी शॉप दिखाने लगा हूँ सोनल पे, वो तो बहुत ही फेमस है और उसका आपने नाम भी सुना होगा, लेकिन आपने धोखा नहीं खाना। हाफिज नाम की आपको मुल्तान में बहुत सारी मिलेंगी शॉप्स, ठीक है, लेकिन आपने ओरिजिनल जो है ना हाफिज उसको पहचानना, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। वैसे मैं आपको पता बता देता हूँ, मुल्तान में घंटाघर चौक से थोड़ा सा आप टर्न करेंगे राइट की तरफ तो सिविल हॉस्पिटल आएगा। सिविल हॉस्पिटल के साथ एक स्ट्रीट अंदर टर्न हो रही है, उस स्ट्रीट में पहली जो हाफिज होगी ना आपने वहाँ जाना है, और वो ओरिजिनल है। और ये मैं आपको इसका ना लोगो भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा इनका बैग है, बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत। और आपकी खातिर मैं हाफिज से भी लेके आया हूँ सोनल का, ये देखिएगा इस लोगों को जरूर पहुंचे ऑनलाइन। और ये देखें ये अवार्ड याफ्ता है और ये ओरिजिनल हाफिज है, ठीक है। अब देखते हैं ये किस तरह की है सोनल का, ये देखें। और ये भी जो है वो ड्राई फ्रूट्स के साथ है। वैसे तो आपको प्लेन भी पसंद है, अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आपको प्लेन भी मिल सकता है, लेकिन चलो देखते हैं। मीठा मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया, लेकिन आप तो खातिर ये देखें, ये अब हाफिज़ का सोनल भाई कितना फ्रेश है, कितना ज़बरदस्त है। कमाल, ये तीनों शॉप्स रिकमेंडेड हैं और पास हैं, और आप इनमें से किसी को भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए मज़े मज़े और की वीडियोस लाने वाला हूँ आगे भी जाके। खुश रहें, एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज़।